जिला हमीरपुर में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम झांडिल ने दौरा किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आपदा आने के बाद प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया जा रहा है क्योंकि प्रदेश सरकार ने लोगों को हर संभव सहायता के लिए आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि किस तरह से आपदा प्रभावित लोगों को राहत दी जाए इसके लिए आकलन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ त्रासदी का समय है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि में इस प्रकार का पहले देखा नहीं कभी, और ये ऐसा कहर बरपा है कि इसमें हम सब लोग प्रभावित हुए हैं, चाहे वो शहर के वासी हैं, गांव के वासी हैं, खेतों खलियाने वाले हैं, चाहे वो किसी उद्योग के साथ हैं, सभी लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा है किसी न किसी रूप से। और धरती खिसकी है, कहीं घर बर्बाद हुए हैं, जैसे हम कहड्रू में आज आए हैं तो जैसे कल था वो सरसरबल्ली, कल तो सरसरबल्ली थी और आज ये कहड्रू में आए हैं, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखा हमने। और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है इस ओर कि भाई हम गांव-गांव में देखें, जहाँ जहाँ समस्याएं हैं उनको स्वयं देखें और तब जायज़ा लेने के बाद निश्चित करें कि किस प्रकार से उनको पटरी पर लाया जा सकता है, किस प्रकार से उनको हम नॉर्मल लाइफ बिताने के लिए सॉर्ट ऑफ ला सकते हैं उनके जीवन में। बच्चों की एजुकेशन का भी सवाल है और वहाँ के रहने का भी सवाल है, और सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार उनको पुनर्निवास किया जाए, पुनर्स्थापना की जाए।